गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं लाभ हानि का। प्रतिशतता को हमने पिछले क्लास के अंदर पूरा किया था, चार पार्ट के अंदर। वो चारों पार्ट आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद 500 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए पहल क्लासेस की ओर से, आपको भी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक लाभ हानि की। लाभ हानि के अंदर देखिए, आपको ये चार पांच चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी कोई सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। सबसे पहली चीज है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, इसको सीपी से भी बोल आप समझ सकते हो कि क्रय मूल्य, या अंग्रेजी में इसको सीपी बोल सकते हो। ऐसी विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, ये आपको पता है भाई, आपको ये सारी चीजें पता है, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ आप सोच रहे होंगे। ये इतनी सी चीज पता होगी तो आपका लाभ हानि का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप क्लास के अंदर बने रहिए, आपको पूरा लाभ हानि का टॉपिक समझ में आ जाएगा, बिना सूत्रों के आप इसको समझ पाओगे। लाभ क्या होता है आपको पता है, विक्रय मूल्य, जब कम मूल्य में खरीदकर ज्यादा में बेच दिया जाता है तो लाभ हो जाता है। या हानि कब होती है? जब अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेच दिया जाता है तो क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य प्रिंट रेट, जो दुकानदार द्वारा आपको बताया जाता है, ठीक है, चाहे वो खरीदकर कितने रुपए में लाया, चाहे 80 रुपए में खरीदकर लाया, लेकिन उसने प्रिंट कितना कर दिया, 120 कर दिया, तो उसका प्रिंट रेट या अंकित मूल्य, तो ये चेंज होता रहता है। क्रय मूल्य को आपको हमेशा 100% मानना है। क्रय मूल्य को क्या मानना है? 100% मानना है, ठीक है। ये भी आपको ज्यादा समझ, जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम 100 क्यों मान रहे हैं इसको। विक्रय मूल्य ये चेंज होगा लाभ और हानि के हिसाब से। अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ मानेंगे, और हानि होगी तो इसको 100 माइनस हानि मान लेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वो नहीं है ज्यादा, आपको पता है कि भी अगर लाभ होगा तो 100 से ज्यादा में बेच रहे हैं। क्रय मूल्य जब 100 मान लिया आपने तो 100 से ज्यादा में बेच रहे हैं तभी लाभ होगा, और 100 से कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी। लाभ और हानि यदि रुपयों की बात हो रही हो, तो लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा निकलेगा क्रय मूल्य के ऊपर। ध्यान में रखना, लाभ हानि का प्रतिशत किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। और यदि वस्तुओं की बात होगी, अगर वस्तुओं की बात होगी तो बात करेंगे कि वो एकदम उल्टा हो जाएगा, विक्रय मूल्य के ऊपर निकालेंगे उसको, ठीक है। अंकित मूल्य मैंने आपको बता ही दिया। अब सवालों से शुरू करते हैं सीधा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदकर 720 रुपए में बेचा गया तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य आपको 600 दे रहा है और विक्रय मूल्य बता रहा है 720, यानी कि इसमें लाभ हो रहा है, और कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 120 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ का प्रतिशत आपको पूछा गया है तो लाभ का प्रतिशत किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे। तो बट्टा 600 गुणा 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको प्रतिशत में बताया था कि 100 का गुणा कब करना है, जब आपको प्रतिशत में पूछा जाए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये इससे 2 बार कट जाएगा, कितने आ गए? 20% का लाभ। इसी प्रकार दूसरा सवाल आसान से सवाल है, बेसिक क्लियर हो जाएगा इससे आपका। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि जब 4 रुपए में खरीदकर 3 रुपए में बेचोगे तो 1 की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। निकलेगी किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर, गुणा 100% में पूछा गया तो 25% की क्या हो रही है यहाँ पे? हानि हो रही है। 25% की क्या हो रही है यहाँ पे? हानि। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी वस्तु को 660 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। 660 में बेचने से 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा लेवल, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बात करते हैं 10% का लाभ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लाभ हो रहा हो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 100 में 10% जुड़ गया, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका? 110% हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 110%। और विक्रय मूल्य दे कितना रखा है आपको? 660। तो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य गुणा 100 बटा 110, ये कितना आ जाएगा? 600 रुपए। 1% के अंदर आपको मैंने और बताया था, 10% को आप क्या लिखते हो? 10% को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। लाभ हो रहा है तो 10 में 1 का लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 11। तो 11 = 660 गुणा निकालना क्या है? क्रय मूल्य, तो गुणा 10/11, ये भी 600 आ जाएगा। सेम ही है, इससे कर लो चाहे इससे कर लो।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने से 33 से 1/3% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 33 से 1/3, अब आप 100 मानोगे, 33 से 1/3 घटाओगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा सवाल। तो 33 से 1/3% को क्या मानते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या मानोगे, 1/3 मानोगे। 1/3 क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी 3 पर 1 की हानि, 3 पर 1 की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य यदि 3 है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 2। अब इसने कहा है विक्रय मूल्य 200 रुपए, तो 2 बराबर 200 है, तो 3 बराबर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 300 रुपए। ये आपका आंसर हो गया, एकदम इजी हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्रम में बात करते हैं अगले सवाल की, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। 1800 रुपए में बेचने से 10% की हानि का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य 90, हानि का मतलब 90, लाभ होता तो 110, लाभ होगा तो 100 से आगे जाएंगे, हानि होगी तो 100 से पीछे आ जाएंगे। यदि उस पर 20% का लाभ चाहिए, यदि 20% का लाभ और चाहिए तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 20% का लाभ और चाहिए, तो 20% का लाभ चाहिए गुणा 120। अब यहां से 100 निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बोल दिया 1800 रुपए बेचने पर 10 की हानि होती है, तो 90 बराबर 1800 कर दिया मैंने। अब क्या होगा, 20% लाभ आगे की पूछ रहा आपको, नए की क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा, तो 100 का गुणा करते हो निकाल लेते, लेकिन आपको आगे की पूछ रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे 120 का गुणा कर दो, यहाँ जो भी चीज निकालनी है उसका गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 90, ये घट गया 2 बार, गुणा कर दो कितना आ जाएगा 2100 रुपए, ये आंसर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने से 40 रुपए की हानि होती है। प्रतिशत की बात नहीं हो रही, रुपयों की बात हो रही है, 360 रुपए में बेचा तो हानि कितने की होगी, 40 की, तो विक्रय मूल्य कितना हो सकता है बता सकते हो, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ोगे 400। अब जोड़ा क्यों भाई, आपको पता है जब 400 रुपए में खरीद कर आपने 360 में बेचा है तभी तो 40 की हानि हुई होगी। तो सीधी सी है, आप सीधे मेथड से निकाल सकते हैं, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको पूछा गया हानि का प्रतिशत, तो हानि कितनी हो रही है, 40 की, कितने पे, क्रय मूल्य पे 400, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100, हानि का प्रतिशत क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 4 से 4 कट गया, यानी 10% की क्या होगी आपके पास हानि, यह आपका आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु को 20% हानि के अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता तो उसके 280 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% हानि की अपेक्षा, 20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 80%। जब भी हानि लाभ की बात करें और विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ हो तो सीधी सी बात है, हानि होगी तो मैं घटा दूंगा और लाभ होगा तो उसके अंदर मैं जोड़ दूंगा। तो ये पहला विक्रय मूल्य आपका बोल रहा है कि 80, यानी 20% की हानि हो रही थी यहाँ पे। दूसरा बोल रहा है यदि इस पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचा जाता, 20% लाभ पर बेचा जाता मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 120%, तो आपको 280 रुपए अधिक मिलते। तो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने अधिक मिल रहे हैं, 40% अधिक मिल रहे हैं, कितने अधिक मिल रहे हैं, 40% अधिक मिल रहे हैं, लेकिन इसने सवाल में क्या कहा है 280 रुपए अधिक मिलते, तो मैं कह सकता हूं कि 40% इसके बराबर होगा, 280 रुपए के बराबर होगा। आपको विक्रय मूल्य पूछा गया, विक्रय मूल्य कितना माना था, शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको, 100 मान रहे थे, गुणा 100/40, ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 700। इस प्रकार के सवाल आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, किसी वस्तु को 33 से 1/3% हानि की अपेक्षा, 33 से 1/3 की हानि, 33 से 1/3 को क्या लिखोगे, 1/3। कैसे लिखा था मैंने, परसेंट के अंदर बता दिया था, तो यहां बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, फिर बता देता हूं, 33 99 और 100/3, परसेंट हटाया तो बट्टे में 0, तो इसको क्या लिखते हैं 1/3, ऐसे 16 से 2/3% दे रखा, इसको क्या लिखते हैं 1/6। तो ये चीज मैंने बता दी। अब बात करते हैं सवाल, 33 से 1/3 की हानि, यानी 3 पर 1 की हानि हो रही है, 3 पर क्या हो रही है 1 की हानि, और 1/6 पर क्या हो रहा है लाभ, 1/6 का लाभ, यानी कि 6 पर 1 का लाभ, तो यहाँ पे 6 पर 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 और 1 7, तो प्रतिशत में भी कर सकते हो आप, आपको बस वो घटाना या अंतर लेना आना चाहिए। आप 100 में से घटाओगे 33 से 1/3 तो उसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसके अंदर देखो आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, कैसे, यहाँ पे 1/6 है, ठीक है, बट्टे में क्या आ रहा है 6, तो यहाँ भी बट्टे में 6 करो आप,
दो से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये कितना हो गया 2/6। यहां हो रही है हानि, 6/2 की हानि, यानी कि कितना आएगा 4। तो दूसरा विक्रय मूल्य तो 7 आ रहा है आपके पास, और पहला विक्रय मूल्य क्या आ रहा है 4। अब इसने कहा इसमें नहीं बेच के इसमें बेचता तो उसको 300 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो सीधी सी बात है आपको दिख रहा है कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं 3। तो ये 3 बराबर क्या दे रखा आपको 300। आपको पूछा क्या गया कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो भी क्रय मूल्य हम क्या मान के चल रहे हैं 6/1 6/2 यानी कि क्रय मूल्य क्या है हमारा 6। तो 3 बराबर 300 है तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 600। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। ऐसे ही अगला सवाल है, ये भी बेसिक से रिलेटेड आपका, कि 10% लाभ की अपेक्षा, 10% लाभ मतलब 110, 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125। अब इसने क्या कहा 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचता तो उसको 105 रुपए अधिक मिलते, 105 रुपए अधिक मिलते। तो हमें दिख रहा है भी ये इसका अंतर तो 105 नहीं है, तो प्रतिशत का अंतर क्या बोल रहा है आपके पास 15%। तो ये 15% का अंतर ही आपका क्या रहा होगा 105 रुपए का अंतर, 110 की बजाय आप 125 में बेचते तो 105 रुपए अधिक मिलते। तो प्रतिशत की बात तो यहाँ हो रही है, रुपए की बात अलग से कर रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर है कम और अधिक की बात जब भी आए आपको अंतर लेना है दोनों का, 125 में से 110 गए 15%, 15% बराबर 105। आपको निकालना है क्रय मूल्य गुणा 100/15। आंसर क्या आ गया आपका 700 रुपए, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। इसी प्रकार आज हमने बेसिक सवालों की बात करी जो लाभ हानि के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ढंग से पढ़ें, आप सवाल निकालें, आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराए जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर, जल्दी ही हम प्रयास कर रहे हैं पूरा कि प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराएं और आप इससे सवाल निकाल पाए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।